The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हेयर डाई किया है कभी आपने? डाई कलर, कोई लेडीज हैं तो कभी लाल कभी पीला, बहुत सारे कलर करते रहते हैं, और पता है कितना डैमेज करता है वो हेयर को? सुना तो होगा कि हेयर डाई हेयर डैमेज करता है, राइट? जितना तेज डाई उतना ज़्यादा डैमेज, राइट? पुराने ज़माने में लोग मेहंदी लगाते थे, बट अब मेहंदी को कलर अजीब वो लगे, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम, रात भर लगा के रखना, याद है? सो बहुत सारे हेयर के हमने वीडियो बनाए हैं, आपने देखे होंगे, और वीडियोस में हज़ारों कारण बताए हैं कि भाई इतने सारे कारण होते हैं हेयर डैमेज होने के, डिटेक्टिव बनना पड़ता है। एक बड़ा कारण है आपका हेयर डाई। फिर लोग पूछते हैं, सर डाई ना करें तो कैसे रहे? ऐसे सफ़ेद बाल थोड़ी रख सकते हैं, ऐसा डाई तो करना पड़ेगा। और प्लस कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी हो रही है, खुजलियाँ हो रही है डाई से। एक तो बाल डैमेज, स्किन डैमेज, एलर्जी अलग, खुजली अलग। अरे बाप रे भाई, इसका कारण क्या, क्यों होती है, मैं करें क्या, क्या करें, ये पूछते हैं। तो भाई ऐसा है, खुजली एलर्जी होती है उसमें मौजूद केमिकल्स के वजह से, इंग्रेडिएंट्स के वजह से। नेचुरल अच्छा है क्या? एब्सोल्युटली। नेचुरल में क्या इस्तेमाल करें, बहुत बार पूछा। आर्टिफिशियल केमिकल्स में क्या ख़राब है, क्या देखें? तो समझो, उसमें बड़े बड़े ख़तरनाक चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं आपके जो परोक्साइड, लिटरली ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड, उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, अमोनिया होता है, कईयों में पैराबिन, मिनरल ऑयल, रिसोसिनॉल, पीपीडी, पीईजी, ऐसे सारे केमिकल्स होते हैं कई सारे अभी मार्केट में उपलब्ध ऐसी चीज़ें हैं। सो इसलिए नेचुरल चीज़ें ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपकी ओवर सेंसिटिव स्किन है तो और ज़्यादा आपके लिए नेचुरल प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आपकी ओवर सेंसिटिव है। इसी के चलते ढूंढ के निकाला है ये प्रोडक्ट आपके लिए, आज एक प्रोडक्ट भी लाए हैं भी। देखो, अगर आप चाहते हो डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट और बाल काले करने ही हैं या ब्राउन करने हैं तो भाई इसको लगाइए, अगर खासकर आपको खुजली होती है। तो ये है आपके सामने मौजूद इंडस वैली का एक्वा कलर हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट। हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट बनाया है एक्वा कलर, कतई इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, नो केमिकल इंग्रेडिएंट्स, ऑल नेचुरल 100% बॉटैनिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, 100% बॉटैनिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। दो ही कलर में अवेलेबल है, दो दो कलर है, एक है डार्क ब्राउन, एक है इंडस ब्लैक। ये है बहुत अच्छा प्रोडक्ट। सो अब इसको हम खुद भी ट्राई कर रहे हैं और अच्छा है भाई। ऑल्दो मेरी स्किन ओवर सेंसिटिव नहीं है, बट ओवर सेंसिटिव स्किन के हिसाब से बना है। ओवर सेंसिटिव स्किन है, हाइपर सेंसिटिव स्किन है, तो आप इसे इस्तेमाल करें, आपको रिएक्शन, दिक्कतें नहीं होंगी, आपके लिए अच्छा है। आपके कोई केमिकल्स नहीं डाले, कोई पीपीडी हेयर कलर कोई चीज़ नहीं है, कोई अमोनिया परोक्साइड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी प्रकार के कोई चीज़ नहीं है। क्या क्या नहीं है फिर बता देते हैं। परोक्साइड नहीं है, हैवी मेटल नहीं है, अमोनिया नहीं है, पीईजी नहीं है, पैराबिन्स नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, रिसोर्सिनॉल नहीं है, केमिकल्स है ही नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ कलर है। कलर है, कलर किससे हो जाता है, ऐसी क्या जादुई चीज़ है इसमें कि कलर हो जाता है, वो भी बता देते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके कोने में आपको ऐसा चार्ट मिल जाएगा, वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हम बता देते हैं क्या क्या है। एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इसमें ग्रुप बना के रखा, इंडिगो, इंडिगो नाम की प्रोडक्ट है वो भैया, डीप कलर प्रोवाइड करता है आपके जो एरियाज जो वाइट हो गए उनको बढ़िया से डीप कलर देगा। सेना है, हीना है, हेना, हेना यानी कि मेहंदी है, सेना है। तो सेना क्या करता है, वो ना सिर्फ स्काल्प को, आपके हेयर को रिवाइटलाइज भी करेगा, नरिश भी करेगा, कंडीशन भी करेगा। हेना यानी कि मेहंदी भी है, मेहंदी उसमें शाइन भी डालेगा और नेचुरल कलर भी है, पता ही है आपको। फिर आंवला है, आंवला लोगों के रूट्स तक आपके रिवाइटलाइज करता है, वहाँ पे ग्रोथ प्रमोट करता है और हेयर के थोड़ा वॉल्यूम ऐड करता है, वॉल्यूम और शाइन भी ऐड करता है। मंजिष्ठा भी है इसमें, वो भी शाइन के लिए बहुत बढ़िया है। कैमोमिल है, उसके अंदर भी आपके जो बाल के लाइट
और वो हाईलाइट देता है वो बाल को। और ब्रह्मी है वो भी नरिश करता है, ब्रह्मी पता ही है, ब्रह्मी आंवला के तेल टाइप के सुना ही होगा आपने। तो ब्रह्मी जो है इसके अंदर है तो वो भी नरिश करता है आपके, वॉल्यूम बढ़ाता है, शाइन देता है। सो और साथ ही फ्यूनिग्रिक, फ्यूनिग्रिक के अंदर वो हेयर प्रमोट करता है और कंडीशन करता है। सो ये सारे आठ इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल के दो पाउच में इसको इकट्ठा किया है। ये नेचुरल चीज़ है, राइट। मेहंदी कैसे करते हो, रात भर लगा के रखते हो फिर सुबह के, ये रात भर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है। ऐसा 10 मिनट वाला केमिकल नहीं है कि 5 मिनट में लगाया और एकदम बस हो गया, 10 मिनट में नहा लिया और हेयर में खुजली होगी, हाइपो, ये नेचुरल चीज़ है। सो नेचुरल चीज़ को लगाने का भी अलग तरीका है, इसलिए इसको लगाने का तरीका भी समझिए। कतई कोई एलर्जी नहीं, पूरा 100% वेगन, 100% क्रुएल्टी फ्री, 100% बॉटेनिकल प्रोडक्ट है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट हमने बता दिए, इसका तरीका क्या है, पहले तो बालों को साफ करना है, नहीं बालों में धूल लगी उसके ऊपर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, धूल मिट्टी सब बालों से एकदम बढ़िया से प्री शैम्पू करके बाल को साफ करके, गीला होना चाहिए थोड़े से वेट बाल पे, इसको, इसका पाउच है, दो पाउच है इसके अंदर, इसके पीछे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि आपको कितना लेना है, कितना और क्वांटिटी, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, अच्छे से पढ़ लेना। और उसमें लिखा हुआ है के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कैसा है, उसमें आपको दो पाउच है, एक पाउच को आपने लेना है और जितना आपकी बालों की लेंथ है उसके हिसाब से 50 ग्राम है कि 100 ग्राम लेना है, और उसको थोड़े कुनकुने पानी में मिक्स करके मस्त पेस्ट बनाना है, उसको पेस्ट गर्म पानी में मिक्स करके पेस्ट बना लिया, उसको अपने बाल पे नहा, गीले बाल पे लगाना प्रॉपरली, ग्लव पहन के आप उससे भी लगा सकते हो, ग्लव से या ब्रश से अच्छे से लगाना है। ये पहला जो है पाउच ए, वो प्राइमर है, वो प्राइमर जड़ बनाता है, अच्छे से बढ़िया से कलर लगे। वो प्राइमर को आपने पूरी रात नहीं रखना, 45 मिनट आधा घंटा, आधा घंटा 45 मिनट रखना है, फिर बढ़िया से धो देना है, मस्त थिक मिक्सचर बना के लगा दिया। उसके बाद में ये बॉइल्ड वाटर में बनाते हैं, फिर उसके बाद में इसका नहा लिया, मतलब उसको धो लिया, उसके बाद सेकेंड पाउच बनाना, पाउच बी जो एक्चुअल कलर है उसको भी आपने कलर बढ़िया सेम प्रोसीजर से बनाना है, गर्म पानी में उसको मिला के 50 ग्राम या 100 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन योर लेंथ ऑफ हेयर, और उसको फिर लगाना है सेकेंड टाइम उसके हेयर, आपके हेयर पे उसको छोटे छोटे पार्ट में लगा के, उसको भी ब्रश से ग्लव पहन के लगा के उसको आपने 45 मिनट से एक घंटा छोड़ दिया, फिर मस्त नहा लिया, साफ कर लिया, उसको धो लिया, उतने से आपका काम हो जाएगा, उसके अंदर एकदम बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। इसमें ऐसा शेड वेड भी दिया है कि पहली बार भी ये, फिर ये, फिर ये, मल्टीपल आप यूज़ करेंगे और अच्छा रिजल्ट आता जाएगा, और A1 बढ़िया बिना एलर्जी के, बिना किसी केमिकल डैमेज के बाल का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछते हो कि भाई कौन सा लगाएं, तो एक ये ऑप्शन है आपके लिए बढ़िया वाला, ट्राई कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और साथ ही आपके लिए जैसा हम हमेशा करते हैं एक गिव अवे का ऑफर है। गिव अवे के ऑफर के लिए क्या करना है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पे आना है, इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारी, इंस्टाग्राम को आपने एक तो फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे इंडिगो इंडस वैली के इंस्टाग्राम पे आपने जाके उनको फॉलो करना है, और आपने मेरे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाला हुआ है इंडस वैली के इस हेयर कलर का, उस पर कमेंट करना है, उसको लाइक करके कमेंट करके 5 लोगों को अपने टैग करना है, अपने दोस्तों को, और उसको शेयर करना है। सो सिंपल प्रोसीजर, और उसमें से जितने लोग सब करेंगे उसमें से लकी विनर्स चुने जाएंगे, उस लकी विनर को ये भेजा जाएगा, उनको मैं खुद DM करूंगा और ये भेजा जाएगा। सो दिस इज़ ऑल, सो प्लीज़ इसको चेकआउट करिए, ट्राई करिए और मैं बताइए कैसा लगा। सो अगर आप बाल का ख्याल रखना चाहते हैं तो केमिकल नहीं लगाने का। Okay, this is Dr. Paramji. Thank you so much. Stay connected, stay healthy.